राहुल जी काशी की नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए, अभिषेक किया और उसके बाद वो वहां से निकले। शिव में राहुल जी की विशेष आस्था है। वो बहुत बार सार्वजनिक रूप से भी कह चुके हैं कि वो शिव को अपना आराध्य मानते हैं। उनकी तपस्या उनके जीवन को प्रेरित करती है। खैर, हमारे पास लिखित अनुमति थी अपना कैमरा पर्सन ले जाने की, उसको ऐन वक्त पे निरस्त कर दिया गया और प्रशासन ने हमारे नेतृत्व को ये दिलासा दिया, ये आश्वासन दिया कि जो मंदिर का पीआरओ जो मंदिर की फोटो वगैरह खींचते हैं वो खींचकर हमारे साथ साझा कर लेंगे। इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। एक घंटा बीत गया, दो घंटा बीत गया, तीन घंटा बीत गया, साढ़े तीन घंटा बीत गया। पहले छोटे अफसरों ने, फिर पीआरओ ने, फिर उसके छोटे अफसरों ने, फिर एसडीएम ने, फिर डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, सब ने फोन उठाने बंद कर दिए। पहले फोटो देने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से चार घंटे के बाद फोटो मिली, और ऐसी फोटो मिली जहां पर एक झुंड में कहीं पर दूर से राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं, जो फोटो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और एक भी फोटो दर्शन करते हुए नहीं मिली, एक भी फोटो जो शीश नवा रहे थे वो शिव के आगे, उसकी नहीं मिली। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वो फोटो क्यों लगानी थी, वाजिब बात है, हमें कोई जिद तो है नहीं वो फोटो लगाने की, लेकिन कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और ये कुत्सित प्रयास क्यों करना कि फोटो खींचकर फोटो ना देना, पहले फोटो खींचना ना देना फिर खींच कर ना देना। अरे भाई, यही सारे रूल जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उन तमाम लोगों की पिक्चरें मैं आपके साथ साझा कर रही हूं, जब ये आते हैं और चार चार कैमरों से कैमरा जीवी जब आते हैं, उनकी शूटिंग होती है, तो ये नियम कानून क्यों ताक पे रख दिए जाते हैं? असल में दिक्कत की बात यह है कि बहुत सारे अफसरों को, बहुत सारे नौकरशाहों को यह लगने लगा है कि सत्ता शाश्वत है। वो अपने आका को खुश करने के लिए इतना गिरे जा रहे हैं कि वो भूल गए हैं कि वो संविधान की परिधि में काम करते हैं। वो गुलाम से भी बदतर बन चुके हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये करके आपने ओझी राजनीति नहीं करी। इसको उत्तर प्रदेश की विशुद्ध भाषा में कहा जाए तो ये टुच्चई थी, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे नेता को तो बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि ये सब करके आप उनको विचलित कर दीजिएगा, तो असलियत ये है कि शिव के भक्त और जिस तरह की शिव की आस्था मैंने राहुल जी में देखी है, आप उनको उनके न्याय के महासंग्राम से, सच की इस लड़ाई से और अंत में ये लड़ाई जीतने के संकल्प से रोक नहीं सकते हैं, विचलित नहीं कर सकते हैं, विमुख नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये करके आपने ये सिद्ध कर दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक फोटो जीवी, जिसको हर जगह अपनी तस्वीर अच्छी लगती है, जो सुबह उठने से रात को सोने तक 500 एंगल से सिर्फ पिक्चर की शूटिंग करता है पूरे दिन, उस देश, वो नेता जिसके इशारे पर आप ये कर रहे थे, उसका मन कितना छोटा है। लेकिन कोई बात नहीं, छोटे मन से बड़े काम हो नहीं सकते, और अब बस कुछ ही दिनों की बात है।